Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So, guys, आपके लिए बहुत ही amazing चीज लेके आए हैं. Entertainment तो चलता ही रहता है भाई साथ साथ में, लेकिन जिंदगी में हमेशा लर्निंग ना हमेशा बंदे की होनी चाहिए. हर एक स्टेज पे, हर एक सीढ़ी पे लर्निंग होनी चाहिए बंदे की. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है कि हिंदू धर्म में कुछ हैरान कर देने वाली कहानी. आप सभी को पता है कि भाई हिंदू धर्म में बहुत से किस्से, बहुत से मिरेकल्स, इतने इतने मिरेकल्स हैं कि जिनका जिक्र कर ही नहीं सकते भाई. इतने ज़्यादा है कि बंदा सुनाते जाए तब भी थक जाए. एंड ऐसे मिरेकल्स नहीं है कि जो हमने नहीं देखे हैं अभी इस उम्र में, है ना, कि हम भी देख सकते हैं उन मिरेकल्स को. अपनी आंखों के सामने किसी ना किसी ने वो चीज़ें देखी होती है. एंड हमारे जो ऋषि मुनि है भाई, है ना, पुराने, तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं उस टाइम पे भाई, है ना. हर एक चीज़ बनाई है, दिन रात बनाई है कि जो आज कंपस से हम देख सकते हैं, है ना, कंपस डायरेक्शन है देख सकते हैं. हर एक चीज़ जो ऋषि मुनि ने करी है वो कुछ ना कुछ तर्क है उनका, कुछ ना कुछ उनका लॉजिक है उस चीज़ के पीछे. और बाकी फिलहाल वीडियो देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें बता रहे हैं इसमें. रियल हिट के यूट्यूब चैनल पर वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है. एंड यहाँ पे कोई आए होंगे ना मेरे ख्याल से, तो वो बता रहे होंगे. गेस्ट पॉडकास्ट है कि ये बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है, तो वहां पे ना रात को 7-8 बजे उसका, उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाजा, डोर, उसको बंद कर देते हैं और वो खुलता है अगले दिन सवेरे. तो माना जाता है कि वहाँ शिव, वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं. तो एक फॉरेनर था और वो वहाँ बैठा, देखा हूँ मैं अपनी आंखों से. इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर. वो जो देखा आंख चली गई, वो बताने की कोशिश किया जबान चली. भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल. उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है. ओ, ये तो गैस किस्सा है ही है जो ये बता रहे हैं. कौन से मंदिर का? एक जगन्नाथ मंदिर भी है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो उनकी मूर्ति है श्री कृष्ण जी की, तो उसमें जो दिल होता है वो ओरिजिनल दिल होता है, वो धड़कता भी है. एंड जब मूर्ति हर साल चेंज कर दी जाती है तो आंखें बंद कर दी जाती है जब उस दिल को निकालते हैं अंदर से एंड उसकी मूर्ति में डालते हैं. तो ऐसा माना जाता है कि उस मूर्ति में प्राण है एक. सो ऐसे ये सुनाएंगे आगे. तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में. और आज का पॉडकास्ट भी ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है एक पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट एंड अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, अक्षत गुप्ता सर. तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट. तो पहले तो आप ऐसे अपने हाल चाल इन जनरल बता दो, कैसे हो आप, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? देखो भाई, मैं ऐसा हूँ जैसा हूँ. मैंने किताब लिखी है जिसका नाम द हिडन हिंदू है. उसको बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. और एक साल से भी कम वक्त में हम लोगों ने 1,00,000 कॉपीज उसकी क्रॉस की है. ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट में है. सर, वैसे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये बुक का नाम द हिडन हिंदू क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है? यार, द हिडन हिंदू, मैं हिंदू हूँ, मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ. और कईयों ने बोला कि यार नाम कुछ और रख लो, हिंदू वर्ड मत लिखो, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे. पर उस पर मेरा जो तर्क था ना, उस पर मैंने कविता लिखी थी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कहे कि तुम्हें मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर, अली वली, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ. प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ,
सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ। देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ। शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ। तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू। इसलिए द हिडन हिंदू। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ऐसे कई अनगिनत बहुत ही जादूगरी मंदिर हैं हमारे देश में। यस, अजब गजब। जैसे अभी रिसेंटली मैं 10-15 दिन पहले खजुराहो गया था। खजुराहो लेट फर्स्ट था। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और आम तौर पे ना हमारे सब लोग खजुराहो को एक ही काम से जानते हैं। वहाँ के मंदिर में काम सूत्र वाले बड़े सारे पोज बने हुए हैं, वो म्यूरल्स और स्टैचूज बने हैं, तो लोगों को लगता है कि बस वहाँ वही है। तो मुझे भी जब पहली बार फ़ोन आया कि खजुराहो लेट फेस्ट, तो मैं बोला कि चलो, बड़े साल से सुन रहे थे कि काम सूत्र वाले सब वो बने हुए हैं, देखाते। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक महामंतेश्वर करके एक मंदिर है, उसमें मैंने उतना बड़ा शिवलिंग आज तक देखा नहीं था, ह्यूज। और वो जो शिवलिंग था ना, वो हर 2-3 साल में 1 इंच बढ़ जाता है। वो बढ़ रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। और मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई कि जब ये छोटा था तो कैसा था। मुझे क्लियर उस तस्वीर में साइज और साक्षात जो साइज दिख रहा था उसमें फर्क दिख रहा था, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब ऐसा फर्क। अभी कितना है करंटली? वो है लगभग 7-8 फीट। ओ, मतलब इस रूम की हाइट जितना ऑलमोस्ट। जी, मतलब आप ये मानिए कि जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है, आने वाले 50-60 साल, मैक्सिमम 100 साल में, वो उतने साल पुराना बना हुआ जो उसका रूफ है ना, वो टच कर देगा। अच्छा। फिर मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, उस जगह का नाम है अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़, छोटा सा कस्बा है। वहाँ की एक सच्ची घटना बताता हूँ मैं। एक किसान आदमी था, वो एक दिन सोया और उसको सपने में आया कि हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि मेरे को निकालो यहाँ से, मैं फंसा हुआ। तो किसान आदमी, वो अगले दिन कुल्हाड़ी खरीदा, उसको कई बार सपने आए मतलब रेगुलरली, तो वो कुल्हाड़ी खरीदा। उसको एग्जैक्टली मालूम था, क्योंकि वो हर दिन सपने में उसको उस रास्ते से ले जाया जा रहा था। वो पहुंचा और उसने एक पेड़ को एग्जैक्ट एक पॉइंट से काटना चालू किया। तो सब लोग आए पीछे, बोले क्यों, क्या कर रहे हो, पेड़ क्यों काट रहे हो? तो बोला वो इसमें हनुमान जी फंसे हुए। तो बोले हट, पागल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जैसे मांझी के लिए बोलते थे ना, मैं पूरा पहाड़ काट दूंगा, तो सब बोल रहे पागल हो गए। उसने काटा, फिर संभाल के साइड से काटा, उसके अंदर सही में हनुमान जी की एक मूर्ति निकली है, और वो मूर्ति हर साल बढ़ती है। मैं अपने आँख से देख के आया हूँ। वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अब वो हो गया है लगभग 8-9 फीट का, और जब वो निकला था 2-2.5 फीट का था। वो सब ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है, आप सोचो। ऐसे ही एक कमाल का मंदिर है बस्तर में, बस्तर में कृष्ण जी का मंदिर है। छोटे में गया था जब हम हॉस्टल में थे, आई थिंक 8th या 9th में था मैं, तो वहाँ पे ना रात को 7-8 बजे उसकी किवाड़ कहते हैं वो लोग, दरवाज़ा, डोर, उसको बंद कर देते हैं, और वो खुलता है अगले दिन सवेरे। और रात में ना उसके अंदर भगवान जी के लिए बेड लगता है, और बेड बिल्कुल प्लेन ऐसे अच्छे से करके रखा रहता है। और सुबह जब मंदिर खुलता है ना, तो वो पूरा छिन्न भिन्न रहता है। तो माना जाता है कि वहाँ कृष्ण भगवान आते हैं और रात्रि आराम करते हैं। तो एक फॉरेनर था और वो वहाँ बैठा, देखा हूँ मैं अपनी आंखों से। यही सब है ना, जब आप ये सब देखते हो ना, तो आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ता चला जाता है। एक फॉरेनर वहाँ बैठा होता, जैसे कहीं होते ना हरे राम हरे कृष्ण, तो ना वो बस बैठ के ऐसे करता था। तो वहाँ जो गाइड वाइड लोग थे, वो बोले कि सालों से यहाँ बैठा है, इसको जब बताया गया था सालों पहले कि ऐसा होता है रात में, तो ये रात को झांक लिया अंदर कि मेरे को देखना है क्या होता। तो ये देखा तो ये बहुत डर गया। किस बात से डरा? अब अगले दिन ही ट्राई टू टेल कि मैं रात को क्या देखा, तो वो बोल नहीं पाया, वो आज तक बोल नहीं पाता है। आपने उस अंग्रेज को देखा? मैंने उस आदमी को देखा है, उसकी आंखें नहीं है। वो जो देखा, आंख चली गई। वो बताने की कोशिश किया, जबान चली। वो बैठा हुआ था मेरे सामने, और हम पूरे स्कूल के लोग एक साथ खड़े होके उसको देख रहे थे, और उसके बारे में उसके सामने है ना, लिख के बता सकते हैं वो, बट वो दिमाग में कभी नहीं आएगा। बट वो लिखेगा, वो सोचता होगा कि मेरा हाथ ही ना रुकना बंद हो जाए ना, कोई ये भी चीज से मैं हो रहा हूँ, क्योंकि उसने तो देखा होगा भाई उस चीज को ना, खुदा को उसने देखा होगा, तो है ना, हमने बात किया जा रहा था, और वो ऐसे ऐसे करके ना हम लोग ऐसे जाएगा। आप सोचो, मेरे को अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। सर, ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पे पेड़ के अंदर मूर्ति बढ़ रही है, अब वो एक टेंपल बन गया, लोग आते हैं वर्शिप करते हैं। हाँ, प्रॉपर टेंपल बन गया है, उसके ऊपर छत वत डाली गई है।
हाँ, और वो काफी सारे लोग आके उसको नापते वापते हैं और वो बढ़ रहा है। और आप अंबिकापुर जाएंगे ना, तो आप वहां पे ये बात करेंगे ना, तो कोई नहीं चौंकेगा, उनके लिए नॉर्मल है। तो मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप देखो कि शिव जी जो है उनके गले में सांप होता है ना। शिव जी के बड़े बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। उनका छोटा बेटा है, बेटे हैं गणेश, उनका वाहन है चूहा। अब मेरे घर का ऐसा चलन है कि हम लोग पिता पुत्र सब एक साथ टेबल में बैठते हैं, खाना पीना सब करते हैं, और चिल्ड आउट माहौल है हमारे घर का। तो आप सोचो कि ऐसा तो उन तीनों के साथ भी होता होगा, शिव जी, कार्तिक जी और गणेश जी भी कभी ऐसे फैमिली डिनर पे बैठते होंगे ना टेबल पे। तो जब ये लोग टेबल पे बैठते होंगे तो इनके जो ये सब चंगू मंगू हैं, मोर है, चूहा है, सांप है, ये लोग पार्किंग स्पेस टेबल के नीचे घूमते रहते होंगे, क्योंकि ये तो फैमिली डिनर पे हैं। अब आप सोचो कि सांप चूहे को खा सकता है, मोर सांप को खा सकता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आपको लग रहा है कि ये कमाल की फैमिली है। अब ये तीनों इनकम्प्लीट हैं जब तक पार्वती टेबल पे नहीं आती है। और पार्वती कौन है, पार्वती का वाहन क्या है, शेर। मतलब बाकी सब पानी का हम चाय हो गए ना सडनली, कि भाई मैं आई हूँ और जंगल का राजा मेरा वाहन है, तो मैं कौन हूँ। तो हमारे हिंदू परंपरा में पहले अपने परिवार की महिलाओं का, वुमेन का नाम मेल से पहले लिया जाता था। कैसे, आप देखिए, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, है ना। तो ये हमारा कल्चर था, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन, सिख, ज्यादातर धर्म में जितने भी भगवान है ना, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, वो सब मेल है ज्यादातर। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पहले अपने आप से ही शुरू करूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह। तो जब आप अल्लाह बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, देख रही नहीं है ना, देख रहा है। गुरु नानक देव, जीसस, बुद्ध, जैन, महावीर, सब मेल है ना। हम लोग ये भूल गए हैं कि इनमें से कोई भी भगवान इस पृथ्वी के अंदर बिना एक महिला के परमिशन के नहीं आ सकता। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर घुसने के लिए दो लोग अलाउ कर सकते हैं, एक वहां का राजा या रानी और दूसरा दरबान, करेक्ट। हमने दी क्वीन ऑफ दी वर्ल्ड को दी वॉचमैन ऑफ दी वर्ल्ड से दिमाग में एक्सचेंज कर रखा है। वो रूल करती हैं इस वर्ल्ड को, वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा भगवान अंदर आएगा, लेकिन हमने उनको अपने पैर नीचे दबा रखा है, उनको बना दिया है गेट कीपर। तो हम, मैं जहां से आता हूँ वहां देवी की पूजा देवों से पहले होती है। सर, ये मैंने भी सुना है कि वैसे कि दुनिया को बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुनिया चला रहे हैं, बट वो एक्चुअली देवी के बेटे हैं, तो सबसे ऊपर देवी आती हैं, फिर ये तीनों आते हैं। एक एक स्क्रिप्चर में ऐसा भी लिखा है, देखिए जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि विष्णु पहले आए थे और वो शिव और ब्रह्मा को लाए थे। फिर जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव पहले आए थे और फिर वो ब्रह्मा और विष्णु को लाए थे, है ना। तो अनंत अनादि जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग शिव के लिए कहते हैं, क्योंकि शिव पुराण ज्यादा मान्यता वाला है, शिव को मानने वाले शिव के भक्त ज्यादा है। yes. इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है, देखिए एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो तीन भगवान है, ये आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और तलवार, त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे। आप विष्णु को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है, एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखे ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है, चारों एक में घुस जाते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड पार्ट, चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना, ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई, तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया,
और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया. कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना. तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था. ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए. तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बना था, ठीक है. क्रिएटर डिस्ट्रॉयर प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है, और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके बनाते हैं शक्ति. देयर इज अ गुड न्यूज एंड बैड न्यूज फॉर यू. इफ यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस लाइक एक्सेल. पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है. इसलिए हम धरती माँ कहते हैं. और सर जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप रहा जाता है, तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस की. कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं. कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए. शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है. सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा. तो सर सांप बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कुछ बताओ आप और क्या साथ जानते ही साथ थोड़ा उस बारे में भी जो इच्छाधारी नाग होते हैं. ये तो हमने पिक्चर में ही सुना है, देखा है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन अगले जन्म में मतलब वो लोग जिंदा रहते हैं, वो लोग वो अमर हैं. तो उस बारे में थोड़ा ओके मैं इसको शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था. सांप इन जनरल. तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया. भारत में एक गाँव है, उसका नाम है शेतपाल. शेरपाल. शेतपाल. शेतपाल. शेतपाल उस गांव का नाम है. उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है. उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है. आज तक उस गाँव में किसी सांप ने किसी इंसान को और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया. दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट. वो एक साथ रहते हैं. और आप इसको गूगल कर लेना, शेतपाल है. शेतपाल है महाराष्ट्र. ऑलराइट सर. आई थिंक हाँ महाराष्ट्र में. और मैं वहाँ गया हूँ छोटे छोटे. आपने देखा है? मैंने मैंने घर देखे और हर घर में. एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में. मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहाँ मंदिर बनाना होता है. इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए. जब खाना बनता है तो सांप के लिए. जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है, तो सांप का ख्याल रखा जाता है. तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है. और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है क्योंकि नाग एक ऐसी चीज़ है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है. तो जो जब विष्णु विष्णु जी जब राम बने थे तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे. जब विष्णु जी कृष्ण बने थे, अच्छा तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले रामायण हुआ, त्रेता युग में रामायण काल आया. तो राम विष्णु जी राम बने और शेषनाग बने लक्ष्मण. तो जब पूरा रामायण ख़त्म हुआ तो वापस गए तो शेषनाग बड़े नाराज़ थे. बोले आप बड़े भाई बन गए, मेरी कुछ चलने नहीं दिए, सब आपके मन की हुई. सब ये एंड के बाद, एट द एंड, मतलब वापस जाने के बाद रामायण काल खत्म हो गया. राम और लक्ष्मण वापस अपने असल अवतार में विष्णु और शेषनाग के रूप में आ गए. तो वो शिकायत किए विष्णु जी को कि बहुत गलत है, आप बड़े भाई बन के वहाँ चला रहे हैं अपनी, मेरी कोई सुनी नहीं रहा है. तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे ना तो आप बड़े भाई बन जाना. तो फिर जब कृष्ण बन के आया तो बड़े भाई बलराम थे, दाऊ, तो वो शेषनाग थे, है ना. तो ये दोनों में, शिव में और, हालांकि ये दोनों नाग अलग अलग हैं. शिव जी के जो गले में हैं वो वासुकी हैं और विष्णु जी जिस पे विराजमान होते हैं, लेटते हैं, वो शेषनाग है. शेषनाग के पीछे और एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी. तो शेषनाग जब सागर मंथन हुआ था तो वो जो पहाड़ को उल्टा किए थे उसके नीचे तो विष्णु जी खुद लगे थे वो टर्टल के शेप में, कछुए के शेप में. और जो उसका मंथन करना था ना, सागर मंथन, तो एक तरफ सारे दानव पकड़े हुए थे, दूसरी तरफ सारे देव पकड़े हुए थे. तो पकड़े क्या हुए थे,
रस्सी नहीं थी वो शेषनाग को पकड़े थे, वो शेषनाग को घुमा रहे थे। और शेषनाग को शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे में चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आप मेरा हाथ जरूर देखिएगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग, ये शेप बन रहा है डमरू का। और जब आप इसको बार 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 चलाते जाएंगे ना तो ये शेप बन जाएगा इन्फिनिटी का, है ना। तो हमारे पास कलयुग के बाद वापस सतयुग शुरू होता है, और जब कलयुग में सब खत्म हो जाता है ना तो जो एक नाग बचता है ना, जो एक नाग शेष बचता है, शेष मतलब होता है रिमेनिंग, वो है शेष भाई, हर एक चीज़ कि उसका ना अंत है ना उसकी शुरुआत है, वो शेष नाग है। तो सर ऐसा हो सकता है कि ये कलयुग दोबारा आया हो कभी पहले, मतलब कलयुग जैसे अभी चल रहा है, मतलब ये कौन सी साइकिल, तो ये कौन सी किसी और साइकिल का हो। तो इस पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात सुना तो ये जो चार काल है, हाँ देखिए वेस्टर्न कल्चर जो है ना उसमें वो लोग मानते हैं कि टाइम लीनियर होता है, वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि टाइम लीनियर होता है, हमारे में कहते हैं कि काल चक्र होता है। आप डिफरेंस ऑफ बिलीफ देख रहे हैं कि उनके लिए टाइम ऐसे चलता है और हमारे लिए टाइम ऐसे चलता है, हमारे लिए टाइम साइक्लिक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा तो फिर से चालू होगा, है ना, आपकी आपके कमरे में लगी घड़ी, आपके हाथ में पहनी घड़ी गोल होती है, मतलब टाइम साइक्लिक होता है, टाइम बार बार घूम के आता है। तो मैंने दो लाइनें लिखी थी कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है, तो समय गोल है पहली बात। दूसरी तो एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी के पास, इस युग खंड में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके बाहर क्या हुआ, मल्टीवर्स है ये, है ना। तो कृष्ण जी के द्वारपाल दौड़ते हुए आए द्वारका में, तो उनका दरबान वॉचमैन, वो दौड़ते हुए अंदर आया कृष्ण जी के पास और बोले वो ब्रह्मा जी आए आपसे मिलने। तो कृष्ण जी बोले अच्छा, उनसे पूछ क्या होगी कौन वाले ब्रह्मा जी हैं वो। तो दरबान कंफ्यूज्ड, दरबान बोले ठीक है भाई आप बोल रहे हैं पूछ लूंगा, वापिस चले गए। बोले वो कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी भड़क गए, बोले कौन वाले ब्रह्मा, मतलब क्या एक ही होता ब्रह्मा। तो फिर वो पैर पटकते हुए हटो यहाँ से और करके कृष्ण जी के पास आए। तो कृष्ण जी से पूछे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि कितने वो होते हैं, मैं कौन सा हूँ। तो फिर कृष्ण जी ने असली चीज उनको दिखाई। तो जब कृष्ण जी ने उनको सारे रेल्म्स खोल दिए ना, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत सारे लोग स्वान पे बैठ बैठ के उड़ रहे हैं, चार सिर वाले, तो बहुत सारे ब्रह्मा थे और सब आके फिर नतमस्तक हुए कृष्ण जी के, क्योंकि कृष्ण तो विष्णु अवतार है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ओ शिट, आई एम नॉट दी ओनली वन, वी हैव मोर। और ऐसी दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रामायण से जुड़ी आती है। सो गाइस ये थी वीडियो, इसको करते हैं हम यहीं पे स्टॉप। एंड भाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे किसी ना किसी चीज़ का रीज़न ज़रूर है, ऐसे नहीं है कि अपने मन से कोई चीज़ें बनाई गई है। एंड आपके सामने साक्षात भाई मिरेकल्स जो होते हैं ना, चमत्कार जो कहा जाते हैं, तो वो आपके सामने मंदिरों में चमत्कार हैं, बहुत से मंदिरों में या बहुत से आपके आस पड़ोस में कुछ ना कुछ किसी होते हैं। क्योंकि आपने सुना है पूछना चाहते हैं, जो बंदा बन गए थे ना वो खंबे हैं, कितने खंबे, 84 खंबे हैं, उनको गिनना वो कभी ना कभी एक ना घटता घटता है, एक ज्यादा होता है कम होता है, गिने जाते वो, मतलब जैसे एक बार काउंट कर ली तूने कितने आएंगे, गिने जाते हैं कि नहीं गिने जाते वो, चल कभी हम जाएंगे तो गिनेंगे, वो कहते हैं वो गिने नहीं जाते हैं, पता नहीं कौन से कोई खंबे हैं वहाँ पे लगे हुए पिलर से वृंदावन में, तो देखेंगे वो भी कभी। एंड बाकी अगर आप चाहते हो, हम ये लंबा है थोड़ा सा पॉडकास्ट, अगर आप चाहते हो हम इस पर रिएक्शन करें तो वीडियो में कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सो दैट सभी के पास, मेरे को ना मैं कभी भी इन चीज़ों से कभी बोर नहीं होता भाई, जितनी लंबी चले जाए ना चीज़ें, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता है भाई, एक ना अपने रिलीजन को जानने के बारे में, दूसरी बात ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई इस धरती पर है क्या, इस धरती की पूरी असलियत क्या है, वो पूरा का पूरा ज्ञान बंदा सोचता है कि मेरे अंदर आ ही जाए, मेरे को पता लग जाए भाई कि पूरा का पूरा चीज़ क्या है। एंड बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, होप सबको पसंद आएगी, रिएक्शन पसंद आएगा, मेन पता है कि नॉलेज मिली होगी बहुत ही ज़्यादा गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।